नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में आज चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी बिहार की सभी जिलों व सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य पार्टियां, एआईएमआईएमबी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है। पिछली बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी और बीजेपी यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई थी। कांग्रेस और जेडीयू को यहाँ पर काफी कम सीटों का सामना करना पड़ा था और बीजेपी और आरजेडी अच्छा खासा दमखम दिखा पाई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी बिहार के जिलों वाइज सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ आप भी चाहते हो कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अररिया की। अररिया की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें, जेडीयू को 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, हमने बिहार की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें, जेडीयू और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट और अन्य पार्टी यानी एआईएम और हम पार्टियां, ये इनको एक भी सीट मिलते हुए नहीं नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं अररिया के, बात करते हैं कवच की। कवच की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी और 1 पर आरजेडी। जी हाँ मित्रों, हमने बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें और आरजेडी को भी 3 सीटें, यानी बराबर बराबर रेशियो पर आरजेडी और बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जेडीयू और कांग्रेस खाते में सेम सीट, 1-1 सीट आने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टियां का अभी तक खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद 2 है, 1 तो बिहार में और 1 महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद बिहार की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी यहाँ पर 2 सीटों पर, जेडीयू यहाँ पर 2 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने 14 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 14 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। आरजेडी को यहाँ पर 5, जेडीयू को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं बांका की। जी हाँ दोस्तों, बांका की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू, 1 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस अपना जीत का परचम लहरा सकती है। वही अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने 19 सीटों की, यानी 19 सीटों की बात कर ली है। 19 में से 7 पर बीजेपी, आरजेडी 6 पर, जेडीयू 4 पर, कांग्रेस यहाँ पर 2 पर, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं बेगूसराय। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से यहाँ पर बीजेपी को 2, आरजेडी को 3, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार की 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है मित्रों। बीजेपी को यहाँ पर 9, आरजेडी को यहाँ पर 9, जेडीयू को 5, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 3, आरजेडी को 1, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में अब 1 सीट का खाता खोलती हुई नजर आ रही है। बिहार की हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 33 में से 12 पर बीजेपी, आरजेडी 10 पर, जेडीयू 6 पर, कांग्रेस यहाँ पर 4 पर और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं भोजपुर की। जी हाँ दोस्तों, भोजपुर की यहाँ पर बीजेपी को 4, आरजेडी को 2, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 का खाता खोलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की हमने 40 विधानसभा सीटों की बात कर ली है मित्रों। बीजेपी को यहाँ पर 16 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 12 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 7 सीट, कांग्रेस खाते में 7 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं बक्सर की। जी हाँ दोस्तों, बक्सर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी को 2, आरजेडी को 1, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने जो मले सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 18 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 13 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 8 सीट, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं दरभंगा जिले
जिले की 10 विधानसभा सीट होगी। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर बीजेपी को 5, आरजेडी को 4, जेडीयू को 1, कांग्रेस खत्म 0 और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की हमने 54 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 23, आरजेडी को यहाँ पर 17, जेडीयू को यहाँ पर 9, कांग्रेस खत्म 4 और अन्य पार्टी खत्म 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। अब बात कर लेते हैं गया की। गया की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी 4 पर, जेडीयू 3 पर, कांग्रेस खत्म 0 और अन्य पार्टियों के खत्म यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी गया में अच्छा खासा दमखम दिखा पाएगी। बिहार की हमने 64 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 25, आरजेडी को यहाँ पर 21, जेडीयू को 12, कांग्रेस खत्म 4 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटें हैं। 3 पर बीजेपी, आरजेडी 1 पर, जेडीयू 1 पर, कांग्रेस खत्म 1 सीट, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। बिहार की हमने 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 28, वहीं आरजेडी को यहाँ पर 22, जेडीयू को यहाँ पर 13, कांग्रेस खत्म 5 और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जोहनबंद की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू को सभी 1-1 सीटों पर हासिल कर सकती है और कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट है। मित्रों, हमने 73 सीटों की बात कर ली है। 73 में से यहाँ पर बीजेपी को 29, आरजेडी को यहाँ पर 23 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 14 सीट, कांग्रेस खत्म 5 सीट, अन्य पार्टी खत्म 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जमुई की। जी हाँ दोस्तों, जमुई की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर आरजेडी, 1 पर बीजेपी, जेडीयू यहाँ पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बिहार की हमने 77 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 77 सीटों में से 30 पर बीजेपी, आरजेडी यहाँ पर 25 पर, जेडीयू यहाँ पर 15 पर, कांग्रेस यहाँ पर 5 पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1, आरजेडी को 2, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बिहार की हमने 81 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को 31, आरजेडी को यहाँ पर 27, जेडीयू को यहाँ पर 16, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कटिहार की 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2, आरजेडी को यहाँ पर 4, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0। बिहार की हमने 88 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 33, आरजेडी 31, जेडीयू को यहाँ पर 17, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं खगड़िया की। जी हाँ दोस्तों, खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1, आरजेडी को 2, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की हमने 92 सीटों की बात कर ली है। 92 में से यहाँ पर बीजेपी को 34, आरजेडी को 33, जेडीयू को 17, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं किशनगंज की। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी और आरजेडी को 2-2 सीट, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की हमने 96 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 36 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 35 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 17, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं लखीसराय की। जी हाँ दोस्तों, लखीसराय की 2 विधानसभा सीटें हैं। 1 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की हमने 98 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 37, आरजेडी को यहाँ पर 36, जेडीयू को यहाँ पर 17 और अन्य खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 5 सीट। अब बात कर लेते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 2, आरजेडी को 1, कांग्रेस खाते में 1, जेडीयू को 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बिहार की हमने 102 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 39 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर आरजेडी, जेडीयू यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मधुबनी, मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 5 पर बीजेपी, आरजेडी यहाँ पर 4 पर, जेडीयू यहाँ पर 1 पर, कांग्रेस यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने 112 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 44 सीट, आरजेडी को 41, जेडीयू को 18, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मुंगेर की, मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 1, आरजेडी को 1, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से बीजेपी को 5, आरजेडी को 5, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 0
और अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की हमने 126 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 50 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 4 सीटें, जेडीयू को यहाँ पर 19 सीटें, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 4, आरजेडी को 3, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने 133 सीटों की बात कर ली है, 54 सीटों पर बीजेपी आरजेडी, यहाँ पर 50 सीटों पर, 19 सीटों पर जेडीयू कांग्रेस, 6 सीटों पर अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात करते हैं नवादा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी और जेडीयू, यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की हमने 138 सीटों की बात कर ली है, 56 सीटों पर बीजेपी आरजेडी, यहाँ पर 53 सीटों पर जेडीयू, यहाँ पर 19 सीटों पर कांग्रेस खाते में 6 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 3 पर बीजेपी आरजेडी, 3 पर जेडीयू, 1 पर कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की हमने 146 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 59, आरजेडी को यहाँ पर 56, जेडीयू को 20, कांग्रेस खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें। वही हम बात कर लेते हैं पटना की। जी हाँ दोस्तों, पटना की 14 विधानसभा सीटें हैं, पटना की 14 में से बीजेपी को 5, आरजेडी को 4, जेडीयू को 3, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की हमने 161 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 64 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 50 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 23 सीट, कांग्रेस खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं पुरुलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी, कांग्रेस खाते में 1 सीट, जेडीयू और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही हम बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी आरजेडी, 5 पर जेडीयू, 2 पर कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार के हमने 180 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 71 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 68 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 25 सीट, कांग्रेस खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आरजेडी को 3, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सरसा की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, आरजेडी को 1, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात करते हैं समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, आरजेडी को 2, जेडीयू को 3, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही हम बात कर लेते हैं सरण की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से आरजेडी को 3 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीयू को 3 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की हमने 211 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 84 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 78 सीटें, जेडीयू को 32, कांग्रेस खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 1, आरजेडी को 1, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बिहार की हमने 213 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 85 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 19 सीट, जेडीयू को यहाँ पर 32 सीट, कांग्रेस खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं सिवहर की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं सीतामंडी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 पर बीजेपी, 4 पर आरजेडी का कब्जा हो सकता है, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिहार के हमने 222 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 90 सीटें, आरजेडी को 83 सीटें, जेडीयू को 32 सीटें, कांग्रेस खाते में 12 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सीवान की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से यहाँ पर बीजेपी को 3, आरजेडी को 4, जेडीयू को 0, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार के हमने 230 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 93 सीटों पर बीजेपी, 87 सीटों पर आरजेडी, जेडीयू यहाँ पर 32 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 13 सीटों पर, अन्य एक पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने की संभावना जा रही है। सुपौल की, जी हाँ दोस्तों, सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, आरजेडी को 1, जेडीयू को 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। जी हाँ दोस्तों, बिहार के हमने 235 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 235 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 96 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी यहाँ पर 28 सीटों पर, जेडीयू यहाँ पर 33 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं वैशाली की आखिरी एंड लास्ट जिले की, वैशाली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से यहाँ पर बीजेपी को 4, आरजेडी को 2, जेडीयू को 1,
कांग्रेस खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की हमने 243 सीटों की, जी हाँ दोस्तों 243 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 100 सीटें, 90 सीटें, आरजेडी को, जेडीयू को यहाँ पर 34 सीट, कांग्रेस खाते में 13 सीट और अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 6 सीटें, अन्य यानी AIMIM और दूसरी पार्टियां मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ती है और अन्य पार्टियां हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को यहाँ पर 100 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 90 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ेगी, जेडीयू को यहाँ पर 34 सीटें, कांग्रेस खाते में 13, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीट। जी हाँ दोस्तों बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी और जेडीयू यहाँ पर दोनों मिलकर सरकार बना रही है 134 सीटों पर, आरजेडी यहाँ पर 90 सीटों पर और कांग्रेस यहाँ पर 13 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस यहाँ पर 103 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है और अन्य का भी समर्थन ले तो यहाँ पर मात्र 109 सीटें मिल सकती है यूपीए गठबंधन को। तो जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू दोस्तों।